बनारस कहते हैं कि इंडिया की सबसे पुरानी शहरों में से एक है। इसे महादेव की नगरी काशी भी बोली जाती है। अभी फिलहाल बनारस का नाम बदल के वाराणसी कर दिया गया है और बनारस, वाराणसी और काशी तीनों एक ही है। तो आप सब लोगों को स्वागत है महादेव की नगरी काशी में और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी स्टोरी बनारस की। तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। और अभी फिलहाल हम है बनारस में। सुबह आ गए थे बनारस, सुबह 6 बजे हम ट्रेन से उतर गए थे और फिलहाल हम एक होटल में शिवालय घाट के पास ही है होटल। और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे कुछ खाना वाना खाने के लिए। सामने जाके देखते हो कि सामने क्या खाना मिलता है। अभी यहाँ का रास्ता का मुझे पता नहीं। अभी टाइम हो रहा है 10:15 और अभी हम निकलेंगे कुछ खाना वाना खाने के लिए और सामने जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम निकले हैं बनारस की अली गली टहलते हुए सामने किसी खाने की खोज में। सामने देखता हूँ कि क्या मिलता है। आगे पीछे मेरी मम्मी है और अंकल आंटी है और हम लोग जा रहे हैं खाना ढूंढने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं। ये कुछ गलियाँ है बनारस की जो कि काफ़ी खूबसूरत है और बनारस की गलियों की जो खुशबू है भाई वो क्या बताए, ऑसम है। बनारस में चारों तरफ आप लोगों को बनारस की साड़ी की दुकान देखने को मिल जाएगा। काफ़ी खूबसूरत साड़ियाँ है। साड़ी के बारे में इतना नॉलेज मुझे है नहीं तो मम्मी कल देगी तो पता चल जाएगा। यहाँ पे बहुत छोटा रास्ता है और छोटा रास्ता होके ही निकलना पड़ता है। गलियाँ बहुत सारा है बनारस में, छोटा छोटा गलियाँ है, गलियों में से आराम से निकलना पड़ेगा आप लोगों को। वहाँ पे देखिए कितना छोटा रास्ता है लेकिन आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सामने आने के बाद हमको यहाँ पे खाने के लिए पूरी सब्जी का दुकान मिला। यहाँ पर पूरी सब्जी खाया हम लोगों ने और यहाँ भी यहाँ से सामने की तरफ जाएंगे। तो बाहर हम लोग चाय पीने के बाद, टिफिन करने के बाद हम आ गए थे अपने रूम में और ये है हमारा रूम। काफ़ी क्लीन है और बेड और यहाँ पे आपको एक बाथरूम, अटैच बाथरूम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सामान रखने का भी जगह है। काफ़ी अच्छी जगह है और ये पूरा रूम का कॉस्ट पड़ा है हमें एक दिन के लिए 1200 रुपया। और फिलहाल एक दिन के लिए हमने होटल बुक किया भाई, पता चलना कल शायद इसे ही बुक कर लेंगे, अभी तक पता नहीं। ठीक है, कल का अभी तक प्लान किया नहीं तो आज रात को प्लान करेंगे। तो फिलहाल ये रूम आज के रात्रि के लिए। तभी शाम हो रहा है 4:30। अभी हम लोग निकलेंगे बाहर, एक फैक्ट्री में जाएंगे, कपड़ा बनता है जहाँ पर बनारसी साड़ी की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे जाएंगे थोड़ा बहुत घूमेंगे। फिर यहाँ से जाएंगे बाहर घाट पर, वहाँ से एक नाव लेके फिर हम लोग घाट दर्शन करने के लिए जाएंगे। फिर दर्शन करने के बाद शाम को आके गंगा आरती देखेंगे। तो बनारस की छोटी गलियां पकड़ते हुए हम आए हैं बनारस की जो साड़ी की सिल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वैसी एक जगह पे। यहाँ पे आज फिलहाल ये कुछ कारखानाएँ बंद है और अभी हम आए हैं एक कारखाना में, यहाँ पे अभी तो फिलहाल बंद है लेकिन यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल जाएगा। ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है और आप लोगों के लिए भी होगा शायद। जो जो यहाँ पे बनारस की साड़ी की जो फैक्ट्री लगती है जगह जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी और यही फैक्ट्रियाँ देखने के लिए हम आए हैं। क्योंकि फिर यहाँ से जाएंगे गंगा घाट, वहाँ से बहुत दूर आरती होगा 24 घाट घूम के फिर आएँगे गंगा आरती देखने के लिए घाट पर। सारी फैक्ट्री बंद है लेकिन ऐसा ही होता है काम, हैंडलूम का काम जो होता है ऐसा ही होता है, पूरा ही हाथ से बना हुआ होता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और हम यहाँ से निकल गए और अभी जाएंगे हम घाट पर, घाट पर देखने के लिए। आज हमारा 24 घाट घूम के फिर हम आएंगे गंगा आरती देखने। ये अंकल जी है जिनके साथ बात हुआ था गया में और ये मम्मी और आंटी जी। हम एक ग्रुप से जा रहे हैं जो हम जिस होटल में ठहरे थे वहाँ से, जो जितने भी लोग थे टूरिस्ट सबका एक ग्रुप है और सब हम लोग एक साथ जा रहे हैं एक ही नाव से
फिलहाल वो लोग सामने हैं और हम चल के जा रहे पीछे पीछे धीरे धीरे। हम बिल्कुल आगे घाट के पास और थोड़ा सामने घाट है, यहाँ से ये दो घाट दिख रहा है सामने। हम आगे घाट पर, यहाँ पे बहुत सारे घाट है, सिद्धराज घाट और से बहुत सारे घाट है यहाँ पर एक साथ ही। क्या बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। फिलहाल यहाँ पे देखिए कितने सारे बोट, इसी एक बोट से होकर हम जाएंगे सामने की तरफ घूमने के लिए चौरासी घाट। और पता नहीं हमारा बोट कौन सा होगा, शायद ये वाला बोट है। हाँ ये वाला बोट हमारा ही है, ये बहुत खूबसूरत नाव है। हम जाएंगे बोट पर अभी, ये हमारा बोट है और इसी पे चढ़ के हम जाएंगे सामने घाट देखने के लिए और शाम को गंगा आरती देखने के लिए। इसी बोट से जाएंगे, इसी बोट पर बैठ के हम गंगा आरती देखने वाले आज शाम को, काफ़ी मज़ा आएगा। तो सीन ऐसा हुआ है कि जिस बोट को हमने बुक किया था ये 3 घंटे के लिए, ये बोट काफ़ी देर से निकल रही थी, 6:30 बज गया अभी तक निकला नहीं। तो हम लोग यहाँ से जगह के निकल आए कि आज नहीं घूमेंगे, आज सिर्फ आरती देखेंगे, गंगा आरती देखने के बाद फिर लौटेंगे होटल और कल घूमेंगे पूरा चौरासी घाट बोट के साथ। और कल हम खुद पर्सनल बोट बुक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे घाट एक साथ है तो एक के बाद एक घाट देखने को मिल जाएगा। चौरासी घाट यहाँ पर ही है, से 84 घाट है। फिर 6:30 बज रहा है तो अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए पिक्चर इतना क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। अभी हम हैं हरिश्चंद्र घाट पे, बहुत सारे चिताएं जल रहा है यहाँ पर। हरिश्चंद्र घाट, हाँ हरिश्चंद्र घाट है ये सामने, इसके बाद और एक घाट होगा शायद। तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ अपने सामने चिताएं जलते हुए और लाइव देख रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं देखा था। हमारे इधर तो मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, तो काफ़ी घबराहट हो रहा है मेरे अंदर फिलहाल। ये कौन सा घाट है, ये और एक घाट है, ये है लाली घाट। लाली घाट यहाँ से भी बहुत सारे बोट है आसपास। पता नहीं यहाँ पर इतने लोग क्यों है, बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं और ये सब शायद गंगा आरती देखने के लिए जा रहे हैं एक साथ। गंगा आरती होगा उस पार, एक जगह है वहाँ होगा गंगा आरती। काफी नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए आज ये सब। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, नाव पे बैठ के गंगा आरती देखेंगे। मैं पैदल ही चला जाऊँगा,
अब मेरी मम्मी पीछे रह गई और अंकल आंटी भी पीछे रह गए, तो मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ गंगा घाट देखने के लिए, फिर बाद सामने से लौट आऊँगा मैं। बहुत सारे घाट यहाँ पर है और काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है ये सब, इससे पहले कभी कहीं पर भी नहीं देखा। 6:30 बजे शुरू हो जाएगा आरती और हम जहाँ पर बैठे हैं, अंकल आंटी और मेरी मम्मी जहाँ पर बैठी है वहाँ पर आरती होगा। 4-5 लोग मिलकर आरती करेंगे, तो यहाँ पर आज हम आरती देख लेंगे, कल आके गंगा आरती देखेंगे क्योंकि कल भी हम यहीं पर है, तो 2 दिन के लिए हम यहीं पर है, तो 2 दिन हम फिर अच्छी तरह से घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बनारस में आने के पहले मैंने वीडियो में यह सब देखा था कि बनारस की हर एक गली में अलग अलग खुशबू होता है, ये बात बिल्कुल सच्ची है भाई, हर एक गली में अलग अलग खुशबू है और ये खुशबू ना आपको मोहित कर देती है पूरा, वो काफ़ी खूबसूरत है खुशबू और गलियाँ तो क्या बताओ। मैं फिलहाल चला जाता हूँ अपनी मम्मी के पास, आजकल बहुत सारे मतलब 20 घाट तो मैंने वैसे ही चलते चलते देख लिया और बाकी 64 घाट अभी तक देखना बाकी है, ये कल पूरा हो जाएगा। फिलहाल आज गंगा आरती देखते हैं बैठ के। तो हम चले आए अपने घर और घाट पर गंगा आरती देखने के बाद हम सीधा चले गए थे खाना खाने से लौट के फिर सीधा आ गए अपने रूम पर, अभी सो जाऊंगा फिलहाल, आज बहुत टायर्ड हूँ और बहुत सारी जगह हमने पैदल चल के पार करी है और मेरी मम्मी भी बहुत टायर्ड है आज, और आज सो जाएंगे। कल सुबह सुबह 4 बजे निकलना होगा, 4 बजे हम जाएंगे पहले, पता नहीं मम्मी जाएंगे कि नहीं लेकिन मैं जाऊंगा पहले गंगा नहाने, गंगा स्नान करने घाट पर, फिर वहां से लौट के 5 बजे के अंदर हमें जाना होगा काशी विश्वनाथ टेम्पल, और काशी विश्वनाथ टेम्पल पर पूजा देने के बाद हमें फिर लौटना होगा यहाँ पर। कल के लिए भी ये होटल बुक है, बुक कर लिया हमने, और पता नहीं परसों के लिए क्या करेंगे, कल वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा कि अगर अच्छा कोई भी होटल मिल जाता है तो वहाँ पर चले जाएँगे, वहाँ दशमेध घाट और बहुत सारे घाट है वहाँ वो सब देखने के लिए। लेकिन शाम को लौट के हम जो आज कर नहीं पाए थे वो करेंगे, 84 घाट को घूमेंगे नाव से और शाम को सनराइज़ देखते हुए काफ़ी मज़ा आएगा। आज वैसे नज़ारा बहुत बढ़िया था लेकिन एक पंगा हो गया छोटा मोटा, इसलिए आज घूम नहीं पाएंगे, लेकिन कल ज़रूर घूमेंगे। और परसों मेरा प्लान है कि सुबह मॉर्निंग में ही बनारस का जो मज़ा है ना वो लेने का बहुत मन है मेरा, तो ये प्लान करेंगे परसों सुबह 4 बजे सुबह वाला इसका मजा लेने के लिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अगली ब्लॉग आ जाएगा बहुत ही जल्द, मिलते हैं, टाटा बाय।